नगी विधायक जी का धन्यवाद, समय निकाल के आए। और जैसा इंस्पेक्टर साहब ने बताया आपके बीच में सतबीर जी ने कि राव साहब ने अपने बच्चों के जन्मदिन पे जी, अच्छा वैसे उनके नाम से यो के हो सकराए तो न्यू यो जो कराया जा सबने बड़का के नाम तक करा दिया। पांच तत्व और तीन गुण जिससे सारा चराचर रचा है और 33 प्रकार की सत्ता हमारे चारों तरफ है जिसको 33 कोटि देवता बोलते हैं। 33 प्रकार की सत्ता हमारे चारों तरफ है। मानव के अंदर जो प्रकृति है वो ही प्रकृति चारों तरफ है। और न्यू भोजन हर चीज का है, स्थूल का भोजन स्थूल है तो सूक्ष्म का भोजन सूक्ष्म है। ये 33 प्रकार की जो सत्ताएं हैं ये सूक्ष्म है और सूक्ष्म का भोजन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म भोजन क्या हो, जैसे मंत्र उच्चारण ब्राह्मण यज्ञ कराता है वो मंत्र वायुमंडल में घुल जाते हैं। यो भोग दे दिया जा अग्नि में बोले यो भोग दे दिया, ये संहिता छोड़ दी बोला फलाने के नाम की स्वाहा स्वाहा स्वाहा, वो सब धुआं वो सब सामग्री का सब समावेश सब मंत्रों का इस सूक्ष्म में ही हो जाता है। सूक्ष्म का भोजन सूक्ष्म होता है, फिर वो शक्ति प्रसन्न हो जाती है और उस शक्ति से अपने अनुसार काम लिया जा सकता है। ये सनातन की विद्याएं हैं। जोकर मीना बरसता बोला गांव इकट्ठा हो गया और वे मीठे चावल बनाए और बोला यज्ञ करवाया, इंद्र देवता प्रसन्न हो गया और मी बरस गया या तो सब बन सुनी होगी। बड़ी बड़ी नाइड मारो मैं वो आई बात उड़ीसा मारिया पाट होता है तो होगा बड़ी न्यू करो भी सुनो भी सो न्यू होनी से बूटे कर मीना बरसता बोला वो हवन करवा लिया मीठे चावल, वो क्या हुआ वो सूक्ष्म को ऊर्जा दे दी और उससे उसको प्रसन्न करके मी बरसवा लिया। आज ये न्यू है ये प्रसाद बना रखा है हवन करा रखा है पंडित पूजा करने लग रहे ये सूक्ष्म में जाहिर वो ऊर्जा इन बच्चों पे आशीर्वाद रखे। भगवान आपकी मनसा पूरी हो, बोल बालाजी महाराज। नुणवारा हम भजन भी गा लिया करूं और नुणवारा में रागनी भी गा दू हूं पर आज जिस नाम से सारा पाठ होता तड़ भी हाजिर कौन है, वो हाजिर है जो बालाजी में आस्था रखता है, जो बालाजी में विश्वास रखता है, जो बालाजी को पूजता है वो आज इस प्रांगण में बैठा है। फिर जाकर बालाजी का ग्रंथ थोड़ी बार कहते हैं जब सागर मंथन हुआ, मंथन में पहला ही निकला कालकूट विष, उस विष को अपनाया शंकर भगवान ने, उसको कंठ में रोक लिया, उनका कंठ नीला पड़ गया, वहां से उनका नाम पड़ गया था नीलकंठ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की। उसको रखने से शरीर में गर्मी होगी। विष्णु भगवान गए और कहा महादेव आपकी गर्मी शांत हो, इसका क्या उपाय हो। कभी मोनी रूप विष्णु भगवान ने बनाया था, नहीं बोला वो मोनी रूप बना, विष्णु भगवान ने मोनी रूप बनाया। ये हमारा लेख कहता है शंकर भगवान का और विष्णु जी का मोनी रूप में मिलन हुआ, उससे ओज गिरा, सप्तऋषि अपना वन कर रहे थे, ओज आके उनके यज्ञ में गिरा है। और आकाशवाणी हुई है कि सप्तऋषियों की ड्यूटी है, ये शिव जी का ओज है, इसकी रक्षा रहे, समय आएगा तो इस ओज को यज्ञ से ले लिया जाएगा। समय बीतता गया, सप्तऋषि उस ओज की रक्षा में रहे और वो यज्ञ निरंतर चलता रहा। दूसरी तरफ स्वर्ग की अप्सरा है जिसका नाम है पुंजस्थला, उसका और पवन देवता का परस्पर बड़ा प्रेम था। और एक बार नदी में पवन देव और पुंजस्थला जल क्रीड़ा कर रहे थे, मतंग ऋषि वहीं तपस्या कर रहे थे। मतंग ऋषि ने कह दिया कि तुम कहीं दूर जाके अपनी क्रीड़ा करो, मेरा भजन भंग होता है। पुंजस्थला जिसने ऋषि का अपमान कर दिया ने बोली बाबा तेरा नाम हो रही है नदी की तो और जाके तपस्या कर ले, ने बोला थारा भी तो नाम नहीं हो रही, तुम यो पुत्र की तो और जाके कर लियो। ने बोली बाबा घना ना बोले, सबका साथ जैसे महाराज जी करेगा उड़ा नहांगे बाबा। ने बोला नहीं नहा जी ही नहाऊंगा, याद रखेगी। उसने मतंग ऋषि से बदतमीजी करी,
उसका परिणाम हुआ मतंग ऋषि ने शराब दे दिया और वह बांदरी बन गई। बांदरी बन गई आख्या पानी आ गया, पानी देख के संत बड़ा दयालु होता है। मतंग ऋषि ने बोला शंकर भगवान की तपस्या कर तेरा दुख टल जाएगा। दूसरी तरफ का नजारा है जहां शिव जी का ओझ पड़ा था, सप्तऋषियों ने उस आश्रम में कोई घुसने तक नहीं दिया और एक राजा शिकार करता उसमें जा बढ़िया और वे सप्तऋषि ने बोले डट भाई कड़े जागा आने बोले शिकार करना है आश्रम के उस पार निवले आश्रम में नहीं बढ़ना भाई अरे जरूरी काम चल रहा है और सप्तऋषि अपने काम पर लगे हुए हैं। निवले मैं राजा हूं मैंने कौन रोकेगा। उड़ा वे ऋषि लोग निवले भाई तू चाहे राजा है अरे कुछ भी है शंकर भगवान के आदेश से यज्ञ निरंतर जारी है यहाँ बाहर का आदमी एंट्री नहीं कर सकता। वो राज नशे में भीतर गया निवला मना कौन डाटे गया बाबा निवला तू तो कद्दे भी ना बड़े भाई ऐसा लेख कहता है। ऋषियों के शराब से उसको बंदर बना दिया और बना के बंदर एक मरिया के हड़ा पाछे बहुत आश्रम दबा रोले भाई वो भी रोया तो उसको भी ये कह दिया शंकर भगवान का भजन करो तेरा दुख टल जाएगा। पुंजस्थला बांदरी बन गई राजा बांदर बन गया शंकर भगवान की उपासना करी तो कहते हैं खुद शंकर भगवान प्रकट हुए हैं। निवला जाओ तुम्हारा दुख टल गया है। उस बांदर दादा ने कह दी तू केसरी महाराज के घर में पुत्र रूप में जन्म लेना तेरा जन्म साथ साथ मेरे रुद्र के रूप में माना जाएगा। और पुंजस्थला को भी कह दिया कि तू जा अंजनी के नाम से तुम फलाने रहा उसके घराने में जन्म ले ले। उस बांदरी का तो जन्म अंजनी के रूप में होया है और उस बांदर का जन्म केसरी महाराज के रूप में हुआ है। और वह इतनी खूबसूरत हुई अंजनानी को एक बार राक्षस खा लेगे वह केसरी ने बचाई थी। केसरी ने बचाई अंजना ने जाकर अपने बाप को सारी बात बता दी। अरे बोली मेरा मन है मैं उसी के साथ शादी करूं और उसका रिश्ता लेके और उसका बाप केसरी का चला गया। वहां केसरी का और अंजना का विवाह हो गया और ब्याह करके एक बार केसरी महाराज युद्ध में गए हुए अंजना महल मां के लिए उड़ नारद जी आओ बोला ए बावली तू कर्ण का काम कर लेने निवली बाबा के करूं के करूं के तू करण का कर ले अरे टाइम आ गया वो काम करण का कौन सा करूं बाबा हे तू शिव शंकर न मनाइए तेरी गोद फड़े अंजना प्यारी तू शिव शंकर न मनाइए तेरी गोद फड़े अंजना प्यारी तू शिव शंकर न मनाइए तेरी गोद फड़े अंजना प्यारी तू शिव शंकर न मनाइए तेरी गोद फड़े अंजना प्यारी तू शिव शंकर न मनाइए तेरी गोद फड़े अंजना प्यारी ये तू शिव शंकर न मनाइए ए तेरी गोद फड़ाना प्यारी तेरे कूक से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। शंकर भगवान की भविष्यवाणी बहुत पहले की है। पहली करीम नारद जी ने क्या कहा है हरिओम बेटा देव ऋषि की सुन ले वाणी देव ऋषि की सुन ले वाणी भगवान तू अंजना रानी भगवान तू अंजना रानी देव ऋषि की सुन ले वाणी भगवान तू अंजना रानी तू शंभू के गुण गाइए तेरी गोद फड़े अंजना रानी तू शिव शंकर न मनाइए तेरी गोद फड़े अंजना बिलासपुर से दीपक भाई टाटा मोटर से 500 रुपए का इनाम भजन पर खुश होकर देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद ज
जन्म जन्म का है ये बंधन, जन्म जन्म का है ये बंधन, शंकर जी का करके वंदन, शंकर जी का करके वंदन, जन्म जन्म का है ये बंधन, शंकर जी का करके वंदन। पूत अनूठा जाइए तेरी गोद फल अंजना, शिव शंकर जमनाइए तेरी गोद फल धर्मवीर सन्नोफ गणपत जी 500 रुपए का पुरस्कार इनाम मान सम्मान सब जारी करते हैं, बार बार धन्यवाद। सम्मानित श्री शिव शरण जी 100 रुपए से आशीर्वाद दिया, बार बार प्रणाम उसने दिया, बार बार धन्यवाद। वह चांदराम की रैली नहीं थी, वह चांदराम की रैली थी, वो इंदिरा गांधी उड़ानी थी। और बोले वो इंदिरा आई नहीं, वो चांद्रा माने इंदिरा बड़ी जब, और बोले वो नाम तो गया भूल भाज कर उसका हाथ पकड़ लिया, बोले बोलो इसकी से, तो भाई बोलो उसकी से। 100 रुपए का इनाम दिया, बार बार धन्यवाद। क्या लिखा तीसरी गली में, एक विधान कहूसू, पूरा एक विधान कहूसू, लख विधाता आण कहूसू, लख विधाता आण कहूसू, पूरा एक विधान कहूसू, लख विधाता आण कहूसू, व्यर्था पखत गवाइए तेरी गोद फल अंजना प्यारी, शिव शंकर नमनाइए तेरी गोद फल अंजना, कहूँ प्रणाम ऋषि को, कहूँ प्रणाम ऋषि को, पहासोर कहूँ बाम ऋषि को, पहासोर कहूँ प्रणाम ऋषि को, पहासोर कहूँ बाम ऋषि को, तू शिवलिंग रोज नवाइए तेरी गोद फल शिव शंकर नवाइए, अंजनी मैया की